क्योंकि महिला का नाम श्री पुरुषोत्तम कन्या, और जो कथा क्या है कहते श्री पुरुषोत्तम का ही कथा है, श्री पुरुषोत्तम का कथा है। और ठाकुर जी को बैठे बताए ठाकुर जी का नाम क्या है, इनका नाम श्री पुरुषोत्तम ठाकुर है। और इनके सामने और इनकी कथा और इसी महीना में पुरुषोत्तम महीना में सुनने का बड़ा बड़ा महत्व है। इसलिए कल हम लोग भागवत की महिमा को श्रवण कर रहे थे। और ये भागवत नहीं यदि ये कल्प तरु है, क्या है यदि ये कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठ करके हम जो कुछ भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो कुछ मांगेंगे ठाकुर जी हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। यदि दुनिया की इच्छा तो आपके आप पूरी हो जाता है, लेकिन जो सबसे जो बड़ी इच्छा है कौन सा इच्छा है, यदि भगवान की प्रेम, भगवान की भक्ति और ठाकुर जी की सेवा हमें मिले, यदि ये सबसे बड़ी इच्छा है। अगर ये इच्छा पूरी हो गई तो कहते समझो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो। इसलिए कहते अगर भागवत कथा की महिमा को अगर हम समझना चाहते हैं कहते चार ही दृष्टिकोण से इसकी विचार करने चाहिए। बोले पहला नंबर है कथा को कौन सुन सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये कथा साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकते। बोले जन्मांतरे भवे पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम, बोले एक जन्म नहीं बोले करोड़ों करोड़ों जन्म की जब पुण्य उदय हो तभी ये भागवत कथा सुनने की सौभाग्य मिलता है। जन्मांतरे भवे पुण्यम बोले बहु जन्म समझ जीते न, करोड़ों जन्म का जब सुकृति उदय हो तभी ये कथा हम सुन सकते हैं। अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े पापी हैं क्या ये कथा हम सुन सकते हैं, बोले आप भुंडुकारी जैसे इतने बड़े पापी नहीं हो, जब गोकर्ण उनको नाम पर पिंड दिया देना तभी ये भूत बना हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने पिंड दिया तेरे को मुक्ति नहीं मिली, बोले इतना बड़ा मैं पापी हूँ एक पिंड बार नहीं, अगर मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे ना मेरे को उद्धार होने वाले, लेकिन इतने बड़े पापी को उद्धार कैसे हुआ, बोले भागवत कथा से। मतलब है हम जितने बड़े से बड़े पाप हमने किया हुआ केवल आकर के भागवत कथा में बैठ जाएगा, बस कथा सुनते सुनते देखोगे गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी के चरण में बैठे गए। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले श्रुता अनुपठित ध्यात आत्रित्रवा अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्व द्रोहि। इस श्लोक में बहुत बड़ा प्रतिज्ञा करना है, अगर ये भागवत कथा को कोई सुने, अगर इतना नहीं हो पाए, अगर ये भागवत कथा को कोई पढ़े, अगर इतना भी नहीं हो पाए, अगर कहीं भागवत कथा हो रही है, इतना कोई बोल के बोले भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात, भागवत कथा होनी चाहिए। अगर इतना कोई बोल दे कहते अगर किसी ने उसने देवताओं को प्रति द्रोह किया हो, ये संपूर्ण विश्व के प्रति अगर कोई हिंसा किया द्रोह किया, अगर इतना मात्र बोल देना बोले सत्य पुनाति सद्धर्मम, वो व्यक्ति उसी समय में ही सारे पाप से मुक्त होकर के भक्ति धर्म में आत्मा धर्म में प्रेम धर्म में प्रतिष्ठित होकर के भगवत चरण को प्राप्त कर ले। केवल इतना अगर कोई बोल ही दे कहते भैया अगर कोई आकर के सचमुच से ये भागवत कथा में बैठ जाए बल उसकी फिर महिमा हम बता ही नहीं सकते, वो व्यक्ति कितने पुण्यात्मा। कहते एक श्लोक नहीं आधी श्लोक, बोले आधी श्लोक नहीं बोले आधी से पुनी आधी से भी आधी से भी आधी। अगर भागवत का इतना कोई अंश किसी घर में कोई पढ़ते हैं बोले समझो उसी घर में
सख्यात जुगल सरकार राधा कृष्ण भगवान के घर में निवास होता है। अगर किसी घर में केवल ये भागवत ग्रंथ है, केवल तुम्हारे घर में ये ग्रंथ है, सब जो भगवान साक्षात तुम्हारे घर में साक्षात रूप में भगवान की निवास हो गई। आप बताओ किसको किसको घर में की भागवत ग्रंथ है? बोला सही सही झूठ मत था, किसको किसको घर में? लेकिन हमारे घर में रोज रोज दिन भी पेपर आता है, एक दिन से दो दिन खत्म होता है, उसका नाम ही दिल है। नाटक अवे उल्टा पुल्टा हीरोइन है, उल्टा पुल्टा दिखना, जितने सारे उल्टा पुल्टा पिक्चर उल्टा पुल्टा पोस्टर बना होगा, लेकिन घर में भी इतना भागवत ग्रंथ नहीं लगता, ठीक है ना? इसलिए हमारे घर में कम से कम ये भागवत ग्रंथ होनी चाहिए, भले ही और कोई ग्रंथ नहीं हो। इसलिए कहते हैं ना, घर में अगर गीता हो, बहु जैसे सीता हो, राम जैसे बेटा हो, यदि वो घर नहीं, वो घर भगवान की धाम हो जाता है, भगवान की धाम बन जाती है। इसलिए घर में जरूर ये भागवत ग्रंथ हमारी होनी चाहिए। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं? बोले पापी से भी पापी अगर हो, कथा एक बार बैठ के भी सुन ले कि भागवत उससे भी भगवत प्रेम करता है। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं, अरे सुनी सुनाई कथा कितना सुनेंगे, हमने बहुत बार सुन रखा है, हमें सुनने का जरूरत नहीं, हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं। तब से कहते हैं बोले भैया तुम सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े विद्वान नहीं हो सकते। जो सुखदेव गोस्वामी वो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, गर्भ से निकल नहीं रहे थे, और वहीं पर बैठे बैठे भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान के भजन कर रहे थे, और जन्मों होते ही जिनकी ऊपर में संस्कार भी नहीं हुई और वो सन्यासी लगने चले गए। मतलब परिवृष्टि तौर पर नरिकुल का उत्तम श्लोक ले लिया, कहते संपूर्ण रूप में ब्रह्म में जो डूबे हुए थे इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन जब भागवत का केवल एक श्लोक को सुन लिया पागल हो गए। वो ब्रह्म ज्ञान ज्ञान को छोड़ करके वो बाहर निकल करके आए, बोले भैया ये श्लोक तुम्हें कहाँ से मिले? बोले हमारे गुरु जी ने बताया, मेरी एक तोता उड़ते हुए चला गया, ये श्लोक सुन करके जो अपने आप पकड़ में आ जाए समझना वही मेरा तोता। बोले मैं वही तोता, बोले हमारे गुरु जी केवल एक श्लोक नहीं, ये तो केवल आप एक ही श्लोक सुनेंगे, मेरे गुरु जी तो ऐसे 18,000 श्लोक को रचना करते। बोले क्या 18,000 श्लोक ऐसे सुंदर सुंदर? बोले हाँ। तब उन्होंने हाथ उठा कर दी, बोले कंपा दयालु शरणम व्रजे मा, ऐसे भगवान को छोड़ करके हम और किसी की शरण में जाए, वहीं से भागते हुए आए और पूरी उन्होंने श्रीमद भागवत कथा को खुद सुनी। इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं? बोले ज्ञानी से ज्ञानी भी सुन सकते हैं और पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले कृष्ण कथा जय सुना तभाई, कृष्ण कथा जय सुना कथा।
अगर कोई बोलता है अरे अब तक कथा सुनते सुनते हम बोर हो गए, अरे कितनी कथा सुनेंगे, अरे ये समझो भैया भक्ति क्या चीज है, भगवत प्रेम क्या चीज है वो व्यक्ति को पता नहीं। जितने सुना लगता है हमने कभी सुना ही नहीं कृष्ण कथा। और कृष्ण रूप कैसे है बोले एक बार राधा रानी कृष्ण को साथ में निकुंज मिले, मिल करके जब कृष्ण को निकुंज छोड़ करके जा रहे हैं, अभी कृष्ण राधा जी को साथ में अभी अभी मिले, जब कृष्ण निकल के भी जा रहे हैं ना, इतने में राधा रानी ललिता से प्रश्न करते हो, ललिता ये कौन है, बोले क्यों अभी तो तेरे साथ में मिल करके गए, बोले नहीं कभी हमने उनको देखा ही नहीं, लगता है जीवन में पहला बार हमने उसको देख रहे, कभी देखा ही नहीं। मतलब भगवान को जब जब देखो ना है, हर समय भगवान नए 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 लगते हैं, भगवान कभी पुराने नहीं होते, ठाकुर जी पुराना नहीं होते। एक समय कोई एक सखी राधा रानी से बोल बोल के राधे आज तक हम श्याम सुंदर के चरण से लेकर के सर तक पूरा के पूरा हमने देखे। राधा रानी कहती है तो बड़ी दुनिया बड़ी सौभाग्य बात हो जो आज कृष्ण को तुमने पूर्ण रूप में देखा, लेकिन मैं जब कृष्ण का दर्शन करती हूँ अगर उनके चरण की नख में अगर नजर पड़ जाए ना मेरी नजर वहीं से हटती नहीं, क्योंकि उनके चरण की नख में इतने छटा है इतने सुंदरता है उसी में ही मेरा मन उसमें घूम जाता है। मतलब कृष्ण ऐसे मेरे जैसे नागुर जी है, सवेर भी देखते दोपहर में भी देखते हैं, शाम को भी देखते हैं, संध्या में भी देखते हैं, लेकिन जब जब देखते हैं तब तक नया लगता है कि नहीं नया लग रहा है कि नहीं। लेकिन इसी दुनिया में देखना बढ़िया से बढ़िया कोई फिल्म आ गई, बढ़िया से बढ़िया एक बार देख लिया बोले कैसे ये बच्चा किसका बच्चा, ले जाओ बच्चों को पीछे ले जाओ। इसलिए बढ़िया से बढ़िया फिल्म आ गई, एक बार देख लिया बोले कैसे बोले बढ़िया, दूसरा बार देख लिया बोले हाँ ठीक है, तीसरा बार देख लिया बोले हाँ अच्छा है, बोले चौथा बार बोले और नहीं देख सकते। अगर चौथा बार देख लिया ना पंचम बार तो उसको सामने भी बैठ नहीं सकते। लेकिन भगवान को देखो जब जब ठाकुर उनको देखो तब तक भगवान नए 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 लगते हैं। इसलिए है इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं बोले सुचारु वक्र मंडल सुकर करत्न कोंडल सुचारु रंग चंदन नमामि नंदन नंदन त्रिभंग देह सुंदर नखानुधि सुधार्जन अमूल रत्न भूषण नमामि नंदन नंदन करेण मेघरंजित हम लोग वस्त्र क्यों बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, अलंकार बढ़िया बढ़िया क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं हम सुंदर लगे, लेकिन जो भगवान क्यों पहनते हैं बोले भगवान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अलंकार कपड़ा का शोभा बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान को बताया भूषण 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 को जो अलंकृत भूषण करने वाले भगवान है बोले भगवान ये कपड़े क्यों पहनते हैं, ठाकुर जी कपड़े के द्वारा क्यों ढके हुए जानते हो, बोले नजर नहीं लग जाए किसकी, ठाकुर जी इतने सुंदर है ना अगर खुला शरीर लगे तो किसका नजर लग जाए, इसलिए ठाकुर जी इसलिए शरीर को कपड़े से ठाकुर जी ढक कर रखते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। इसलिए कहते हैं भैया कथा कौन सुन सकते हैं, बोले पापी सभी पापी और ज्ञानी सभी ज्ञानी ये कथाओं को सब सुन सकते हैं। बोले भागवत में विषय क्या है, इसमें विषय वस्तु क्या,
इसमें साधारण विषय वस्तु नहीं, बल्कि आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनया तथा वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज वधो परहीन क्या कल्पिता। यद भागवत में यद भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की कथा है, यद कृष्ण एक होने पर भी यद रस का भेद में कृष्ण तीन है। कितने हैं कृष्ण? कितने कृष्ण हैं? तीन हैं। वही एक ही कृष्ण जब वो द्वारका में रहते ना वो पूर्ण है, लेकिन एक ही कृष्ण जब मथुरा में रहते वो पूर्णता है, लेकिन वो एक ही कृष्ण जब वो वृंदावन में रहते हैं वो पूर्णतम है। लेकिन वृंदावन में भी तीन कृष्ण, कितने कृष्ण हैं? तीन कृष्ण हैं। एक सखाओं का कृष्ण, एक मैया यशोदा की कृष्ण, और एक गोपियों का कृष्ण, और एक राधा रानी का कृष्ण। कृष्ण तो बहुत सुंदर है, कृष्ण बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो गोपियों के बीच में रहते हैं ना और सुंदर बढ़ जाते हैं। अब विशेष करके जब कृष्ण राधा रानी के पास रहते हैं कृष्ण और भी ज्यादा सुंदर दिखते हैं। अब कृष्ण को देखना, कहीं अगर राधा रानी के साथ में रहते हैं ना देखना, वो तीन जगह से टेढ़े हैं, जानते हो क्यों टेढ़े हो जाते हैं? बोले राधा जी की प्रेम ऐसे है, राधा रानी की प्रेम ऐसे है, जब राधा जी के साथ में खड़े हो जाते हैं ना अपने आप टेढ़े बन जाते हैं। अब भी आप राधा जी के प्रेम में हैं, एकदम द्रवीभूत होकर कृष्ण तीन जगह से टेढ़े अपने आप टेढ़े बन जाते हैं। इसलिए बोले कि कृष्ण करुणा सिंधु सुभाष में दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। ये देखो इस श्लोक बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु, जब भगवान को बोले भगवान कौन है, बोले करुणा के सागर है, भगवान को बड़े खुश हो। फिर जब बोले दीन बंधु, दीनों का बंधु और खुश हो गए। जब बोले जगत पते जगत का पति और भी खुश हो गए हैं। लेकिन जब बोले गोपे सगा कृष्ण कौन है, गोपियों का ईश और खुश हो गए। लेकिन जब बोले राधा कांत कृष्ण कौन है, राधा रानी की प्रियतम है, बस कृष्ण पूर्ण रूप से खुश हो जाते हैं। बोले कृष्ण सुंदर है, लेकिन जब राधा रानी के पास होना सबसे सुंदर कृष्ण राधा रानी के पास में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, भ्रमण करते करते एक घर में पहुंचे, उसका नाम बहुलावन। कोई गए हो बहुलावन? कौन कौन बहुलावन गए? कोई नहीं गए। यदि ये ब्रजमंडल परिक्रमा भी बढ़ता है, देखो एक बार हम ऐसे करेंगे एक बस लेकर के ना पूरा वृंदावन, कुछ कुछ तो गए हो, अगर पाँच छः दिन लगाओगे पूरा तुम्हारी 84 दिवस परिक्रमा हो जाएगी। जिसको परिक्रमा करने के लिए 40 दिन लगती है, पूरा 40 दिन में उसको चल करके पूरी करते हैं, पूरा 40 दिन लगती है। लेकिन 5-6 दिन में अगर गाड़ी में जाओगे ना सारे जगह को 5-6 दिन में कवर करो पूरा, उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री भी आ जाएंगे। वो जो बड़ी दूर वो नहीं, जो ब्रजमंडल में जो है पूरा 5-6 दिन में घूमगा आ जाओगे। जाओगे आप लोग बन कर जाएगा एक बार सबका हम ले चलेंगे, पूरा 5-6 दिन में घुमा कर दिया है। प्लस वृंदावन बिहारी की जय, जय जय राधा कुंड के पास में, जहाँ पर राधा कृष्ण की जहाँ मिलन हुई थी, और एक बहुला नाम का गांव भी था, एक शेर ने उसका आक्रमण किया, आक्रमण की तो कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट होकर के ठाकुर जी वो गांधी पर अत्याचार किया था। जब महाप्रभु भ्रमण करते करते वो बहुला वन में पहुंचे, देखा एक वृक्ष के ऊपर में एक मैना और एक तोता बैठे हुए, और दोनों में लड़ाई हो रहा है। जो तोता ने
वो तो कृष्ण का पक्ष ले लिया, और जो मैना ने वो राधा रानी के पक्ष ले लिया। तोता कहता है, बोले जानते हो मैना, मेरे श्याम सुंदर सर के ऊपर पहलू पग लगाएगा। मैना कहती, तेरे को पता है बहुत सारे सर पंख है, लेकिन उन्होंने ये मोर पंख क्यों लगाया, तेरे को पता है क्या है? बोले ये मोर पंख में मेरी राधा रानी का नाम लिखा, इसलिए वो सर के ऊपर लगा करके पूरा दुनिया में राधा रानी के नाम को प्रचार कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन में जाओ ना, इसलिए किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं जोर से बोलो, और जोर से वहाँ पर सबके सब श्री ईश्वर जी की राधा रानी का नाम लेते हैं ना, क्योंकि राधे राधे रखकर चले आएंगे बिहारी। इसलिए इतने में तोता कहता है, बोले श्याम सुंदर तो गिरिराज को डाल दिया था। मैना कहते छोड़ छोड़, तुम्हारी कृष्ण ने गिरिराज उठा लिए। बोले कच्छु माँ कहते तो बल बढ़ो, कच्छु गोपर ने कही सहारे, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर ने उठा लिया। बोले श्री राधा रानी की जय। तो मैना कहती है, कृष्ण जो गिरिराज उठाए बताओ कौन सा हाथों में? बोले वाम हाथों में। बोले कौन सा अंगुल में? बोले कनिष्ठ अंगुल में, छोटी सी अंगुल में। बोले उठाए कैसे? बोले अपना बल से, अपना शक्ति से। बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है? तो गिरिराज उठाए कौन? जोर से बोलो राधा है। इतने में तोता कहता है, मेरे कृष्ण तो कदम वृक्षों को नीचे खड़े होकर के बंसरी बजाते हैं। मैना कहती, तेरे को पता है बहुत सारे पेड़ है ब्रज में, ये कदम वृक्षों को नीचे क्यों खड़े रहते? कारण क्या? बोले कारण ही ब्रज में दो वृक्ष है, एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष। जो तमाल वृक्ष देखना कृष्ण जैसे काले, वो वृक्ष भी वैसे काले, लेकिन कदम वृक्ष देखे वो कदम वृक्ष बताओ तो उसका रंग कैसे? कदम वृक्ष का रंग कैसे? क्या पता नहीं, तुम कदम वृक्ष नहीं देखे हो, कदम का फूल नहीं देखे हो, वो सफेद है। देखना राधा रानी का कलर जैसे, ये कदम वृक्ष का कलर भी वैसे। इसलिए ब्रज में कदम वृक्ष को सिर्फ राधा जी की स्वरूप मानी जाती है। इसलिए कृष्ण वो वृक्ष को नीचे खड़े होकर के कृष्ण की बंसुरी को कृष्ण बजाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण, यदि भागवत में किसकी कथा है? बोले भागवत में श्री ब्रजनंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की कथा है। इसके बाद भागवत में बोले उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले यद्यपि उनको पांच तरह का उनकी रस, पांच रस है, एक शांत रस, एक दास्य रस, एक सख्य रस, एक बात्सल रस, एक मधुर रस। भगवान को पांचों रसों से भगवान की भक्ति की जाती है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ कौन सा रस है? बोले ये गोपी होने जैसे भगवान की भक्ति की, यदि ये सर्वश्रेष्ठ रस है, ये सर्वश्रेष्ठ रस है। यदि भागवत में जो वर्णन आती है भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले गोपी होने जैसे भक्ति। बोले गोपियों की भक्ति कैसे है? हम सुनेंगे आगे, जब कृष्ण बंसुरी बजाए ना, कोई श्रृंगार कर लेते, कोई बच्चे को दूध पिला लेते, कोई पति सेवा कर लेते, कोई रसोई बना रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, किसने एक हाथ में काजल दूसरे हाथ में लगा रही। लेकिन जब कृष्ण की बंसुरी की आवाज आई, उन लोग ने वहीं पर सारे काम को किया था। मतलब है गोपियां जैसे करना कठिन है। आप अगर आप एक दिन अगर वृंदावन में जाने के लिए बोलो ना, जा सकते हो? एक दिन भी जाना कठिन है। नहीं, हमारा बच्चे का ट्यूशन है, बच्चे को खाना कौन मिलेगा, घर को कौन संभालेगा, अभी दुकान मकान छोड़ कर बेचेगा, कितने तरह का बंधन हमारे। लेकिन उन लोगों ने सारे बंधन को तोड़ करके उन लोगों ने कृष्ण को पास करा के सारे बंधन को। इतना बोलना सहज लेना, इतना करना सहज नहीं इन लोगों ने। इसलिए कृष्ण कहते हैं, गोपियों तुम लोगों का ऋणी मैंने कभी नहीं चुका पाता, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारी ऋणी से कभी मैं पूर्णी नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले तुम लोगों ने मेरे को प्रेम करने के लिए
सारा दुनिया को तुम लोग ने ठोकरा दिया, सारा दुनिया को तुम लोग ने ठोकरा दिया है। मेरे तो मीरा का नाम सुने कि नहीं सुने हो? मीरा का नाम राज रानी है। आप और हमारी जैसी लड़की, आप और हमारी घर की जैसे बहू की जो नहीं थी, वो रानी थी, राज रानी थी। लेकिन कृष्ण प्रेम में ऐसे दीवानी बनी, ऐसे कृष्ण प्रेम में उसने दीवानी बनी, पूरा परिवार उसको विरोध हो गई, पति विरोध हो गया, ननंद विरोध हो गई, उनकी सास विरोध हो गई, उनकी देवर विरोध हो गई, दुनिया यहाँ तक भी कुत्ता भी उसको जाने लगा। अब देखना बेटा अगर गलत काम कर रहा है, टूटा फूटा काम कर रहा है, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर गले में थोड़ी कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, बल्कि कोई उम्र तरह एक कोई उम्र तरह भजन करने की। लेकिन अगर शराब पीता, बीड़ी पीता, दुआ करता, मेरी खूब मेरा बच्चा तो हर बात चला रहा, लेकिन गला में कंठी तिलक तरह पहन लेगा, कितने उपद्रव है, उसको पीछे सब पड़ जाएगा। उसको पीछे इसलिए मेरा जो भजने की, उसको पीछे सारा दुनिया पड़ गई। लेकिन नाम अभी किसकी हो रही है? मीरा के नाम हो रही है। क्यों? सारा दुनिया भले ही बढ़ गए, लेकिन वो कीर्तन का रथ नहीं छोड़ी, भगवान की भजन उसने नहीं छोड़ी। यहाँ शिक्षा देते हैं, भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते हैं। भजन करने के लिए जाओ ना, भगवान के कभी कभी परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी तो भी मेरे को चाहते हो ना, दुनिया को चाहते हो, अगर तुम मेरे को चाहते हो फिर फिर रथ नहीं छोड़ते, मेरे को रंग नहीं छोड़ना। आप लोग ने भीमेश्वर का नाम सुना, रावण का भी नाम है। अभी किसका दुनिया में किसका नाम हो रहा है? भीमेश्वर का नाम हो रहा है। क्यों? उसको रावण ने ठोकर मार कर भगा दिया राज्य से, लेकिन उन्होंने प्रभु राम का ही शरण में गए, लेकिन रावण विरोध किया। अभी देखना अभी भी रावण का पुतला भी जलाते हैं कि नहीं? रावण को पुतला को अभी भी जलाते हैं। ये तृतीय जग में आया था, लेकिन वो भगवान की भक्ति की विरोध करने का नाते अभी भी उसका पुतला को जलाते रहते हैं। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, भगवत विरोधी होने पर चिंते की भर दुनिया की गाली तेरे को मिलेगी, लेकिन भगवान की भक्ति की उन्मुख हो बिना चिंते की भर, जैसे मीरा का नाम है, हनुमान का नाम है, तुलसीदास का नाम, जगत में पूजा हो रही, जगत में पूजा हो रहे हैं। इसलिए हीरो बनना ना, भगवान की भक्त बनकर के हीरो बनो, भगवान की भक्त बनकर के हीरो बनो, ठीक है? इसलिए यहाँ पर जब भागवत में बोले भैया किसकी महिमा है, बोले गोपियों ने जैसे भक्ति की है वो उन्हीं भक्ति की महिमा के श्रीमद भागवत में। बोले भैया ये किसका मत है? बोले श्री चैतन्य महाप्रभु का कविता, ये जो मत है ना श्रीमद महाप्रभु का, ये फिलोसफी है। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव और अंग का लेकर के जगत में आए, स्वयं कृष्ण होते हुए भी दीन भर राधा जी के भाव में हा कृष्ण करते करते देर रात राधा जी के भाव में महाप्रभु डूबे रहे। इसलिए भागवत में जो विषय वस्तु तो बड़ी हाई फाई है, भगवान की कथा कोई दुनिया की कथा इसमें नहीं, ठाकुर जी की कथा इसमें केवल भगवान की कथा है, भगवान की कथा है। यदि जो भागवत कथा सुने तो सुने कहाँ से? कहते जैसे समुद्र मंथन से अमृत भी निकली और अब समुद्र मंथन से बीज निकला, दोनों चीज निकला। पहले क्या निकला? बीज निकला, जिसको श्री शंकर जी ने पान किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ नाम पड़ गया। लेकिन उससे अमृत भी निकली, दोनों निकलती है। कहते उसी तरह ये जो भागवत है ना, ये कल्प मतलब भागवत से सब कुछ मिलेगा, इससे बीस भी निकला, बीस भी निकलेगा और इससे अमृत भी निकलेगा। यदि ये बीस कब निकलेगा, अमृत कब निकलेगा? अगर किसी वैष्णव से कथा सुनो जो भगवान की शुद्ध रूप में भजन करते हैं, जो निष्काम होकर के निष्कपट भाव से जो भजन करते हैं, अगर उनसे कथा सुनोगे ना तो अमृत की प्राप्ति होगी, अमृत रूप मिलेगी। अगर जो वैष्णव नहीं
जो भक्ति नहीं करते हैं, दुनियादारी की कामना वासना को लेकर के करते हैं तथा भगवान की भक्ति के उद्देश्य में नहीं है, तो अगर वहाँ से कथा सुनोगे ना फिर तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें भक्ति नहीं मिलेगी। उदाहरण देकर समझा है, आप लोगों ने दूध देखे हो, दूध पीते हो ना, दूध पीते हो, बताओ दूध पीने से क्या होता है, खुदा की वृद्धि होगा शरीर में, हृष्ट पुष्ट बनेगा, ताकतवर बनोगे दूध पीने से। अगर उसी दूध का अगर सांप ने मुंह मार दिया तो बताओ फिर वो दूध पीने से क्या होगा, वो देखने में लगेगा दूध है लेकिन जब उसको पियोगे ना वो पूरा जहर का काम करेगा, मृत्यु का काम करेगा। तो उसी तरह ये भागवत कथा अगर वैष्णव से सुनोगे, भक्तों से सुनोगे, फिर ये भागवत तुम्हें भक्ति प्रेम प्रदान करेगा। अगर अभक्त से सुनोगे तुमको बीच बीच निकलेगा। इसलिए कथा कहाँ से सुननी चाहिए, बोले जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी, जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनसे ये भागवत कथा में सुननी चाहिए। फिर ये हमें भगवत प्रेम और ये भगवत भक्ति को प्रदान करने वाले मिलेंगे। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस बार मैं कम कथा बोलूंगा लेकिन कीर्तन ज्यादा सुनेंगे। हमारे मथुरा से आप जानते हो प्रभु जी को पहला है, कल तो आप लोगों ने सुने ये इनकी जो भजन है ना रेडियो में आती है, अगर सवेरे सवेरे रेडियो खोलोगे इनकी इनकी भजन इसमें सुनने को मिलेगा। अभी आपको कोई सुंदर प्रभु भजन कर सुना कि आपको एक एक भजन सुन मारे जी दीवाने पर राधे राधे कही होगी एक एक तो समय डालना हरे कृष्ण हरे कृष्ण एक तो समय डालना समय डालना चरणों को पलोड़ते हुए
यहाँ से महाराज श्री विराजमान है सेवा कुल, सेवा कुल में राधा रानी के चरणों को पलोटते हुए रसिक वैष्णव संतों को दिखाई दे रहा जिनके पद चापक नंद लला तो वेद प्रसिद्ध शोभायन सुरते किसी को कौन गिने यहाँ ब्रह्म रहो लेपेटायन कारिलाल गोपाल की जीवन मूल स्वासिकांत के कोट प्रभाव में रहो रे मन तो करूं बिन की दशमान किशोरी के पायन राहो रे मन तो करूं बिनती दशमान किशोरी के जो भूले से भी महाराज जी की कथाओं में उपस्थिति दे रहे हैं तो ये साधारण बात नहीं होती। जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो संतों का समागम होता है, उनका दर्शन होता है, उनका संग होता है। तो ऐसे हमारे महाराज श्री दयालु हैं जो बार बार अपनी अस्वस्थ अवस्था में भी और आपके यहाँ पर आते हैं। ऐसे पहले गुरु महाराज का जयकार होगा। बोलिए गुरु जी महाराज की, भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की, भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की, भक्ति वेदांत श्री विक्रम महाराज की, भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी की। हमको विचार करना है किस लिए है इकट्ठे हुए। जय जय श्री दीवाने मन अजय को भगवान ने हाथ दिए हैं तो जरूर भगवान के कीर्तन में घूम करके ताली बजा करके और भगवान की सेवा करेंगे। और जिनको जिम्मेदारी दी है वो कीर्तन का दीवाने मन एक भक्त का निवेदन है। दीवाने मन अपने मन को समझा रहा है। दीवाने मन राधे राधे Yeah.
भगवान के भक्ति भी बिना कहे भी बिना निवेदन के भी
संसार में आए जो खुद भी नाच हमको नहीं नाचना पड़ेगा। अब तुम्हारा तो बहन को बताना है लेकिन जो भी जो साल को समझ है ना तो जो भी जा रहा है मैं तो अपनी सांस से बहुत ही जल्द नाच रहे मैं तो अपनी सांस के आगे नाच रही हूँ महाराज जी सब कोई सांस के आगे और कोई मेहनत के आगे और कोई जेठानी के आगे और कोई पड़ोसी के आगे सभी संसार में दुखों की नाच नाच रहे तो इस दुखों की नाच से मन को बचना है और फिर कोई आनंद लीजिए मन को जाते ना को लीजिए मन को जाते ना को लीजिए I'm sorry.
कुछ करुणामयी लाडली जी का कुछ दो चार खाली तो सवैया हो गया जय श्री राम। ये महाराज श्री बड़े विराजमान हैं यहाँ, महाराज जी को भी मालूम है कि विशेष करके कवित्व सभी यात्रा ही लोग भी विशेष करके सुनते थे महाराज जी को। इनकी बड़ी अहेतु की कृपा गुरु वैष्णव की मेरे ऊपर रही है। मैं बहुत दुष्ट हूँ, माया ज्ञान में फंसा हुआ हूँ, मेरा भजन में मन नहीं लगता, ये सब है। लेकिन फिर भी पता नहीं गुरु वैष्णव जी की क्या कृपा है, मुझे पता नहीं। अब तक इनके छत्र छायन हमारे जीवन पड़ा है। संक्षेप है, समय अधिक नहीं है। कहीं कबड्डी खेल रहा था मैं 16-17 साल की उम्र में, तो वही मेरे खजांची साहब हैं ओम प्रकाश के पिताजी, वो मुझको मठ में ले गए। मैंने कहाँ ले जा रहे हो ये, बोले मैं तुमको असली कबड्डी खिलाने के लिए आया हूँ। मैं असली कबड्डी कैसे खेलूँ, तो मुझे गुरुदेव की शरण में ले गए और गुरुदेव ने सबसे प्रथम भजन सुना सखीरी मेरे मन अभिलाषा हो मदन मोहन के हो। और ये मेरी दादी इस भजन को मथुरा में श्री दीर्घ विष्णु मंदिर है 84 को ब्रजमंडल के अंदर महाराज परमा ये सब आनंद लेते हैं इस भजन को मंदिर पर सुनाती थी। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। जय श्री राम। ऐसी करोड़ों मई लागली, लेकिन ये राधा रानी जब भी कृपा करती है गुरु वैष्णव करते हैं। अन्न खा ये सब सरल भी है और दुर्लभ भी है। जब गुरुदेव कृपा करेंगे, संत समाज कृपा करेगा, तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो सब कुछ कहेगा लेकिन राधे राधे नहीं कह सकता। जय जय श्री राधे। Oh,
बार अयोध्या जाओ तो हर द्वारिका तीन बार जाकर
Yeah.
दुख क्या हानि भय हो ध्यान भय प्रतुलाई क्या कृपा विधि से लगे Oh, my God.
समझ रहे हैं साथ में भैया और भैया
सुभ्रातुम में युवती सुख गाई पति रंग क्या कह दिया है सुंदर और मिले सभी संत समारंभ सरोज में अंकों की दौलत प्राप्त करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुदेव
भक्ति वेदांत शुक्र गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में आनंद कोटि में ज्ञापन करते हुए श्रीपाद दामोदर प्रभु के चरणों में एवं वृंदावन से आए समस्त भक्तों के चरणों में ये धर्म के प्रणाम है और उपस्थित बड़ौर भक्त वृंद के चरणों में भी कोटि कोटि का प्रणाम। अभी हम जो भजन साधन इत्यादि कर रहे हैं गुरुदेव के अनुगत्य में, अभी बहुत सुंदर संकेत किया, इंगित किया हमारे प्रभु जी ने बताया कि ये राधे राधे जो हम गाते हैं, राधा रानी कृपा करती हैं, लेकिन वैष्णव और गुरुदेव की कृपा होने के बाद जब वैष्णव तुष्ट होंगे तब गुरुदेव तुष्ट होंगे, तब जाके राधा रानी पूर्णता तुष्ट होती है। तो संतों को तुष्ट करना मनुष्य जीवन का एकमात्र हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भक्तों के प्रेम को पाने के लिए किस प्रकार से हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं, भक्ति को प्राप्त करने के लिए तीन वस्तु बताई है शास्त्रों में। प्रथम है भक्तों की चरण रज, चरणों की धूलि। द्वितीय है भक्तों की चरण, चरणा अमृत। और तीसरा है भक्तों की अधरा अमृत, अर्थात पहली दो चरण धूल, द्वितीय उनका चरणों का स्नान कराया हुआ जल, और तृतीय उनका जो भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाते हैं उसका सीत कहते हैं उसको, या उसे महाप्रसाद कहते हैं जब वो पाते हैं, और उसका जो उच्छिष्ट उच्छिष्ट होते हैं झूठन को, उस झूठन को हम जब पाते हैं तो उसको कहते हैं अधरा अमृत, और इससे हमारा भजन बढ़ता है, तब जाके राधा रानी प्रसन्न होकर की कृपा करते। तो ऐसे ही एक संत हुए जिनका नाम था श्री रसिक मुरारी जी, जो हमारे गुरु परंपरा में श्यामानंद प्रभु जी के शिष्य हुए। ये भी उड़ीसा के ही भक्त थे और बहुत उच्च कोटि के संत। जब ये प्रकट हुए तो जैसे बालक को पहले, आजकल तो ये सब नहीं होता है लेकिन कई कई घरों में देखा जाता, होता भी है, बच्चा जब जन्म होता है जब उत्सव मनाया जाता है तो उस बच्चे के सामने बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं रख दी जाती हैं, भोग वस्तु रखी जाती है, कहीं पर गहने रखे जाते हैं, कहीं पर धन रखा जाता है, कहीं पर विद्या की पुस्तकें रखी जाती हैं, और कहीं पर गीता और कहीं पर श्रीमद् भागवतम यानी शास्त्र भी रखे जाते हैं। बच्चे को ले जाया जाता है समस्त वस्तु के पास, बच्चा जिस पे हाथ रख देता है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये बच्चा इस वस्तु के प्रति पूरे जीवन भर आसक्ति बनाए रखेगा। तो ऐसे ही रसिक मुरारी जी ने सब वस्तुओं को स्पर्श नहीं किया और जाकर के श्रीमद् भागवतम पर स्पर्श किया, तो सब बड़े हर्षित हुए कि ये महाभागवत है, और उनको जो है लेकर के बड़े हर्षित। उनके पिताजी के भी वैष्णव थे, उनकी माताजी भी पूरी भक्त थी, इसलिए बच्चा भी भक्त हुआ। बोलो रसिक मुरारी जी की जय। ये श्यामानंद प्रभु के शिष्य हुए, श्यामानंद प्रभु जिनकी वजह से हम वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन होता है। राधा श्याम सुंदर जी का जो विग्रह है वो श्यामानंद प्रभु जी की कृपा से प्रकट हुआ। वो कथा आप लोगों ने कई बार सुनी है, राधा रानी का नुपुर वाली कथा। उस पायल को लेने के लिए जब सखियां आती हैं तो उनको वो देती नहीं, और जब वो गुरुदेव के पास जाकर बोलते हैं मुझे झाड़ू लगाते हुए ये पायल मिली तो गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा जिसकी ये पायल है उसी को देना और किसी को नहीं देना, जिसकी ये पायल है उसकी सखियां भी आएंगी उनको भी मत देना, जिसकी ये पायल है वही आएगी तब उसको ही देना। तो गुरुदेव ने ऐसा आदेश दिया तो बड़े प्रसन्न हुए कि इसमें कुछ रहस्य है, और रहस्य भगवान से बढ़कर कुछ होता नहीं। राधा रानी स्वयं आई
जब ललिता विशाखा को मना कर दिया कि जाओ जिसकी पायल है उनको लेकर के आओ, तब राधा रानी आई थी और उन्होंने कहा ये मेरी पायल है मुझे दे दो। तब उन्होंने कहा उनका दर्शन करके अशुपात और पुलकित इत्यादि भक्ति के समस्त जो अंग है वो प्रकाशित हुए और उन्होंने उनके चरणों में निवेदन किया, हे राधे रानी कृपा करके मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान करें कि मैं आपके चरणों में पायल बांध सकूं। तो राधा रानी ने प्रसन्न होकर के अपना चरण आगे किया और श्यामल प्रभु ने उस पायल को बांधा था। उसके बाद श्याम सुंदर जी को अपने हृदय से राधा रानी ने प्रकट करके ये श्याम सुंदर जी उनको प्रदान किए थे कि तुम हमेशा इनकी सेवा करना, और एक सुंदर चिन्ह इनके मस्तक पर लगा दिया था अपने आभूषण का, जिससे कि चिन्ह याद करके उनको आनंद की अनुभूति होती रहे राधा रानी की। तो ऐसे महान संत थे श्यामानंद प्रभु और उनके शिष्य ये हुए रसिक मुरारी जी। तो रसिक मुरारी जी बड़े हुए और पढ़कर के इन्होंने विद्याएं अर्जित करी, क्योंकि शुरू से ही इनका खेल कूद इत्यादि का मन नहीं लगता था, मन केवल शास्त्रों में संतों की सेवा में था। और इन्होंने बहुत जल्दी गीता पुराण इत्यादि समस्त शास्त्र यहाँ तक श्रीमद् भागवत भी एक अच्छे संतों से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। बड़े हुए 24-25 वर्ष की अवस्था में होते हुए इनके हृदय में भगवान श्री कृष्णचंद्र की जो है प्रीति जागृत हुई थी, उनका दर्शन यदा कदा हो जाता था। और इन्होंने कई संतों से चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गुणगान सुना था। इनके मन में था कि मैं दीक्षा लूं तो चैतन्य महाप्रभु के धारा में उनके किसी निज पार्षद से जो गुरु रूप में आए और मुझे धन्य करें, मेरे जीवन में एक ऐसी लहर उठा दें जिसमें समस्त क्षण राधा कृष्ण के प्रेम में निमग्न रहूं। तो ये जब हुआ तो उनको भगवान श्री कृष्ण जी ने रात में सुगंध दिया कि तुम्हारे गुरुदेव यहीं पर हैं, उनका नाम है श्यामानंद प्रभु और तुम वहां पर जाकर के उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो श्यामानंद प्रभु के पास ये पहुंचे और जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि मुझे आपसे ही दीक्षा लेनी है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में मुझे कथा सुनाई है, चैतन्य महाप्रभु की मैंने बहुत कथाएं सुनी और मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। दोनों गुरु और शिष्य ऐसे मिले जैसे कई जन्मों के बिछड़े हुए और इतनी ज्यादा प्रेम की ऊंचाइयों को छुआ। जैसे ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव के भी आंखों से अश्रुपात हो रहा है और शिष्य के भी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। उनको हृदय से लगा करके उनको दीक्षा प्रदान की। उसके बाद उनको कहा कि तुम यहाँ उत्कल देश उड़ीसा के क्षेत्र में ही प्रचार प्रसार करना, सबको हरिनाम में डुबा देना, हरिनाम प्रेम प्रदान कर देना। रसिक मुरारी जी अभी तक जो साधन किया करते थे और जो प्रेम रुक रुक के हृदय में आता था, अब दीक्षा के बाद तो वह प्रेम की बाढ़ उनके हृदय में समाती नहीं थी। जहां जाते जिसको देखते हरिनाम प्रदान कर देते थे और कभी कीर्तन करते, कभी उछल उछल के नृत्य करते और क्या कहते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इतना आनंद आने लगा कि ये संतों को हमेशा जैसे यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, इनके यहाँ नित्य प्रति उत्सव होते ही रहते थे। क्या करते थे, जैसे हमें तो सौभाग्य मिला है कि ये ठाकुर जी को हमने विराजमान करा के इनकी सेवा का हमें सौभाग्य मिला है, लेकिन देखो इतने कुछ कोटि के संत विग्रह की सेवा नहीं करते थे। किस चीज की सेवा करते थे, बड़े बड़े मटकों की सेवा। मटकों में क्या होता था, संतों के चरणा अमृत उनको उन मटकों में रख लिया करते थे और उनको प्रणाम उनको दंडवत करके उनकी आरती किया करते थे और कीर्तन किया करते थे जब भी कोई संत आते। तो इसी तरीके से एक बार उनके यहाँ पर काफी संत आए, 15-20 संत आए
अपने एक शिष्य को उन्होंने कहा जाओ सबका चरणामृत लेकर आओ। अब शिष्य गया और सबका चरणामृत लेकर आया, सबके चरणों को उन्होंने धुलाया और उसको चरणामृत को लेकर आया। चरणामृत को रसिक पुरारी जी ने जैसे ही ग्रहण किया और बता दिया कि तुमने किसी एक संत को छोड़ दिया, पूरा आनंद नहीं आ रहा, तो डरते डरते शिष्य ने कहा आपने सही कहा गुरुदेव, मैंने एक संत को छोड़ दिया है क्योंकि उनको कोढ़ हो रहा था और जो कोढ़ हो रहा था तो मेरे को लगा कि ये अशुद्ध हो जाएगा इसलिए नहीं लिया। तो उन्होंने फटकार लगाई, संत की तुम दिव्य प्रकृति को नहीं जानते हो, तुम बाहरी दृष्टि से प्राकृतिक दृष्टि से उनका दर्शन कर रहे हो, आंतरिक दर्शन से उनको देखना चाहिए, दृष्टि से देखना चाहिए, जाओ और अभी चरणामृत लेकर आओ उनका। फिर वो भक्त गया चरणामृत लेकर आया, फिर उसको मिलाकर जब लिया तो वो आनंद में उछल उछल के नाचने लगे और उस चरणामृत को कह करके कहा बहुत दिनों में इतना शुद्ध अमृत हमने चखा, सबको प्रदान किया। बोलो सतपुरारी जी की जय। ऐसे ही अब समय आ चुका था, मुगलों का शासन था, नवाबों का शासन था, रसिक पुरारी जी के जो गुरुदेव श्यामानंद प्रभु जी वो भी अपने जो गांव के पास ही उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था और उनकी खेती की जमीन बहुत थी, उस खेती की जमीन में सारा अन्न जो बोते थे वो सब साधु की आश्रम की सेवा में लगता था। तो हुआ क्या, नवाब बहुत गलत प्रकार का आ गया, उसने सारे साधुओं को बहुत ऊंचा नीची बातें कह करके और सारी की सारी जमीनें हथिया ली, अपने नाम कर लिए। अब ये लोग परेशान हुए, श्यामानंद प्रभु जी ने एक पत्र लिखा, वो जानते थे कि मेरा जो शिष्य है बड़ा ही तीव्र बुद्धि का, बड़ा ही बलवान है, वह इस समस्या समाधान जरूर ढूंढ लेगा, क्योंकि श्यामानंद प्रभु तो नित्य सेवा में रहते थे, उन्हें हमेशा ठाकुर जी के दर्शन होना, आनंद आना, और जब उन्हें लगा कि मेरे आश्रम में संतों को परेशानी हो रही है तब उन्होंने एक पाती लिखी, चिट्ठी लिखी रसिकान रसिक पुरारी जी को, कि क्या लिखा कि जिस अवस्था में हो तुम रसिक उसी अवस्था में तुरंत चले आओ। अब चिट्ठी मिली ने, चिट्ठी जब मिली तब ये प्रसाद पा गए, प्रसाद पा करके इन्होंने भी हाथ में नहीं धोया, मुंह भी नहीं धोया और चिट्ठी को भूला, उसमें लिखा मेरे गुरुदेव के आदेश है कि जिस अवस्था में जैसे हो चले आओ, तुरंत वहां से चल पड़े, ना कपड़े बदले, ना हाथ धोए, ना मुंह धोए, और पहुंच गए अपने गुरुदेव के आश्रम और वहां जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया और बताया प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए, जैसे ही आपका मुझे चिट्ठी मिली आपका आदेश हो तो मैं पहले हाथ में धो लूं, मैंने भी हाथ में नहीं धोया, बताइए ऐसी क्या बात है। बड़े प्रसन्न हुए उनके गुरुदेव कि मैंने लिख दिया था जिस अवस्था में चले आना, उन्होंने अपने हाथ और मुंह भी नहीं धोए, तो उनको हाथ में धुला करके आलिंगन किया और सारी अवस्थाओं से अवगत कराया कि यहाँ पर ऐसा नवाब आया है कि सारी जमीन उसने हत्या ली थी। अब देखिए रसिक मुरारी जी के जो शिष्य है, श्यामानंद प्रभु जी तो शिष्य है रसिक मुरारी जी के, और रसिक मुरारी जी के जो शिष्य है नवाब के यहाँ नौकरियां कर रहे हैं, मुंशी का सारा हिसाब किताब लिखते हैं, सारी जमीनों का हिसाब किताब लिखते हैं, तो ये गए और वहां जाकर के नवाब के हवेली में जैसे पहुंची तो बाहर उनका ऑफिस था, ऑफिस में सारे उनके शिष्य रसिक मुरारी जी के, रसिक मुरारी जी को जैसे ही देखा सारे शिष्य ने दंडवत प्रणाम किया, कहा गुरुदेव बिना बताए आप आए, बहुत अच्छा किया आप आए, उनको अंदर ले गए ऑफिस में बिठाया, ठंडा जल पिलाया, उनके चरण दबाए और कहा गुरुदेव हमें बुला लिया होता, हमें बता दिया होता, ऐसी क्या बात थी। उन्होंने कहा मेरे गुरुदेव की जमीन तुम्हारे नवाब ने छीन ली, उसको मुझे वापस दिलाना है। तो उन्होंने कहा ये नवाब तो बड़ा दुष्ट है, लेकिन आप चिंता ना कीजिए गुरुदेव, हम अपने आप जो है कागज बना देंगे, वापस हम आश्रम को सारी जमीन दिला देंगे, आप आराम से हमारे घर रहिए, इस नवाब से मिलने की जरूरत कोई अच्छा आज में नहीं है। तो गुरुदेव मान गए, शिष्यों के प्रेम में आकर के शिष्यों के घर चले गए, वहाँ उनकी सेवा करने लगे। अब ये जो सेवा की 3 दिन तक ये अपने ऑफिस में नहीं आया, रसिक मुरारी जी की सेवा में ले गए। उसके बाद नवाब ने बोला भाई सब कहाँ चले गए, बुलाया तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव आए हैं, उनकी हम सेवा में लगे हुए हैं।
तो उन्होंने जैसी ही बात बोली, नवाब ने क्या कहा, अच्छा मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ तुम्हारे गुरुदेव का, उनका दर्शन तो कराओ। तो जो मुंशी थे उन्होंने सोचा कि ये दुष्ट जो है यहाँ बुला रहा है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, कहीं गुरुदेव को कहीं कष्ट ना हो जाए, कहीं कुछ कर ना दे। तो उन्होंने गुरुदेव से जाके प्रार्थना करी, गुरुदेव वो दुष्ट नवाब आपको बुलवा रहा है, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए अपने आश्रम को। हम कह देंगे महाराज जी चले गए, गुरुदेव चले गए, आप चले जाइए। लेकिन देखो भक्त ऐसे उच्च कोटि के संत है, वो भगवान के अलावा किसी से डरते नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब आया हूँ और वो बुला भी रहा है तो मुझे जाना चाहिए, हम चलेंगे। तो नहीं माने, जब गुरुदेव को पालकी बनाई गई, पालकी में गुरुदेव को बिठाया गया और सब साथ लेकर चले। अब ये तो दुष्ट था, नवाब था, ये जान गया अपने और जितने भी जासूस लोगों से कि ये किस उद्देश्य से आए हैं। उन्होंने एक ऐसे हाथी को जो बिल्कुल पागल था, उस पागल हाथी को बांध करके उसको मदिरा और पिला दी थी, जिससे और ज्यादा पागल हो गया। उस पागल हाथी को आदेश दिया महावत के द्वारा कि जैसी पालकी यहाँ हवेली के पास आए, इस हाथी को दौड़ा देना, कुचल देना उस पालकी को। अब जो कहार और मुंशी लेकर चल रहे थे, आगे आगे मुंशी और पीछे कहार, अंदर पालकी में गुरुदेव हरिनाम कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। वो तो अपने आनंद में, तो जैसे ही पागल हाथी पेड़ उखाड़ के पौधे उखाड़ते और जो जो भी सामने आ रहा मारता पीटता आ रहा है, कहारों ने देखा एकदम पालकी छोड़ी और प्राण बचा के भाग। अब इन्होंने देखा कि एकदम पालकी धम से नीचे छोड़ी है, क्या बात हुई। रसिक पुरानी जी बाहर निकले, देखा बिल्कुल पागल हाथी और बहुत ही भयंकर गर्जना कर रहा है, चिंगार रहा। उसको देख करके बाहर आए और कहा, हे गज हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, अपना तामसिक स्वरूप क्या दो। जैसे ही आदेश दिया वो सब कुछ भूल गया है और उस हाथी के आंखों से शोकात हो गया। इतना रोया कि पूरा शरीर उसका जो है पानी पानी हो गया और वो दंडवत करके एकदम सून से ऐसे उभर उठाकर, जब वो हरे कृष्णा बोल रहे थे तो उस हाथी ने भी बड़े सुंदर तरीके से रोते रोते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तब उन्होंने बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा। कान पकड़ा हाथी का और उनको दीक्षा पत्र प्रदान कर दिए और नाम भी रख दिया, नाम रखा गोपाल दास, आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास। अब हाथी को सब कुछ छोड़ करके वो तो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अब यहाँ पर जब नवाब ने सुना, इतना भयंकर हाथी जो 15-15, 20-20 महावतों के कब्जों में नहीं आता था, वो इन संतों ने जो अपने चरणों में उसको बिठा दिया और पता नहीं क्या कहने में मंत्र फूका कि बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा है, तो वो चरणों में गिर गया नवाब और उसने सारी जमीन ही नहीं बल्कि और भी कई गांव उन गुरुदेव को प्रदान कर दिया। महामंत्र दे दिया और जंगल का सारे हाथी वो संत का चेले बन गए और सबके सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम और अर्जुन जब बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बहुत बड़ा कोई योगी था। उसने सुना एक ऐसे के संत है जो हाथी को भी अपना चेला बना लिया। वो बहुत बड़े योगी था कोई, वो अपना योग सीखने दिखाने के लिए आया। उसने किया कि एक जीवंत शेर को ऊपर बैठ करके वो उनको दर्शन करने आया तो इनके चेले घर को सामने खड़ा था, बोले तेरे गुरु जी से हम मिलना चाहता हूँ।
सुनने में उसने आकर बोले, गुरु जी हमने देखा कोई एक योगी एक जीवंत शेर के ऊपर बैठ करके आया, आपको दर्शन करना चाहता। वो समझ गए वो योगी हमें अपना योग सिखाई दिखाना चाहते हैं, तो हाथी को क्या चला बनाया, देख के शेर को चला बना दिया। वो जो संत प्रभु जी सामानंद प्रभु जी वो एक दीवार के ऊपर बैठ गए थे, मिट्टी की दीवार के ऊपर। इतने में वो दीवार को आदेश दिया, वो दीवार चलना शुरू हो गया। जो दीवार था ना वो चलते चलते आ गया। वो योगी ने देखा भैया हम तो जीवन का शेर को ऊपर में मैंने बैठा दिया, तो जो जड़ वस्तु जो दीवार है उसको अंदर में भी उन्होंने प्राण संचार दे दिया। फिर उसने शेर से ऊपर उतर करके इनके चरण में सिखा, इनके चरण में धन्यवाद प्रणाम किया। ऐसे ऐसे महाप्रभु के भक्त हुए जिन्होंने संपूर्ण उड़ीसा में वे पेश जय सीता। इसलिए हमारे सीतापुर प्रभु से जय सीता, उनकी कृपा से ही अभी भी उड़ीसा में बड़े महाप्रभु का भक्ति प्रचार हो रहा है, सारा दुनिया में महाप्रभु का भजन कर रहे। इसलिए महाप्रभु का पेश ऐसे बड़े बड़े संत हुए जो कि हाथी को भी चला बना दिए, दीवार को भी चला बना दिए, दुनिया में चला बना दिए। इसलिए अभी हमें भी चला बनती है, हमें भी धन्यवाद की भक्ति करना, ठीक है ना। इसलिए सबके सब गले में तुलसी लगती, सबके सब तिलक और सबके सब भगवान की नाम जप करनी चाहिए। ये आत्मा के ये तीन श्रृंगार है। जैसे एक पति व्रता नारी जब पति को सामने श्रृंगार करते हुए जाती है ना, पति खुश हो जाता है। उसी तरह जब हम ठाकुर जी को सामने आते हैं, अगर हमारे पास में तीन चीज हो ना, ठाकुर जी अपने आप हमें स्वीकार कर ले। अगर वो तीन चीज नहीं हो, भले ही कितना बोल दो मैं तेरा और तू मेरे हो, ठाकुर जी एकदम स्वीकार नहीं करें। तीन चीज क्या है, बोले ललाट तिलक और नासिक। जब महाराज कह रहे उनको दूतों को कह रहे हैं, जब महाराज जब बोले जो भजन नहीं करते हैं मेरे पास में ले आना, बोले पता कैसे चलेगा। बोले जैसे एक सुहागिनी नारी मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, नाक में दशहरा पहनती है, हाथ में शंखा पहनती है, उसी तरह मेरे जो भक्तों को अंदर में भी तीन चीज देखोगे। देखो ये श्लोक है, बोले ललाटे तिलकम नास्ती, मतलब जरूर उनकी ललाट में तिलक देखोगे। बोले कंठ नास्ती त्रिकंठी का, पहले में तुलसी की माला जरूर देखोगे। बोले हृदय नास्ती को हृदय, यदि हाथ हाथ में माला की झोली देखोगे। अगर ये तीन चीज देख लिया ना, समझ जाना कि भगवान की भक्त है। फिर खबरदार उनको मेरे पास में मत लाना। और जो जिसको अंदर भी वो तीन चीज नहीं होना, उनकी चोटी पकड़ कर घिसड़ घिसड़ जम बोली मिले आ रहे। ये जम स्वयं कह रहे हैं, ये श्लोक है, हैं। इसलिए कोई कोई लोग कहते हैं ना, अरे दुनिया को दिखाना क्या जरूरत है, अंदर अंदर में करो ना, दुनिया को दिखाओगे तुम। अरे भैया अगर दुनिया को दिखाना नहीं, फिर इतने मान क्यों भर दिए हो, इतने सिंदूर क्यों लगा दिए, इतने मंगलसूत्र क्यों पहन लिए, कब से पति बने, शादी से पहले भी मतलब था तुम्हारा, बीच में डाइवोर्स हो गया तो हर एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। जब उसी के लिए इतने मांग भर लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं, जो जन्मांतर के हमारे असली पति, तो उसके लिए क्या हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसलिए तीन चीजें हमारे अंदर में होनी चाहिए, पहले प्रकृति तिलक और भगवान की नाम वाला, ठीक है। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम की जय। हमारे से बलराम प्रभु जी हरे कृष्ण।
एक बार पहले आप इस तरह दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा चिड़िया, इतनी खूबसूरत चिड़िया, इतनी सुंदर चिड़िया, तब
पूरी आश्चर्य की दृष्टि से उसको देख रहे हैं। तो जब यमराज जी कैलाश में अंदर चले गए तो गरुड़ ने सोचा कि इस चिड़िया का अंत समय निकट आ गया और इतनी सुंदर चिड़िया इसको मैं मरते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस चिड़िया के प्राण बचा। तो गरुड़ ने क्या किया, अपने पंजों में उस चिड़िया को पकड़ के और हजारों मील दूर एक पत्थर पे छोड़ा है। अब वो निश्चित हो गए कि अब इन्हें यमराज जी मारेंगे नहीं। तो वापिस आके निश्चित होके द्वार पे बैठ गए। तो जब यमराज जी अंदर से आए तो उनसे रहा ना गया। गरुड़ महाराज ने उनसे पूछा कि आप जो चिड़िया थी उसको इतने आश्चर्य और दृष्टि से क्यों देख रहे थे। तो यमराज जी बोले कि मैं उसे इतनी आश्चर्य से इसलिए देख रहा था कि इसका कुछ ही पल में हजारों मील दूर एक सांप के द्वारा डस में इसकी मृत्यु होनी है, लेकिन ये हजार मील दूर पहुंचेगी कैसे। तो गरुड़ महाराज ने सोचा मैं तो उसको खुद अपने पंजों में फंसा के मौत के मुंह में छोड़ाया। कहते हैं कि जब मृत्यु आनी होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, तो इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि आने वाले पल का कुछ भरोसा नहीं है। जब जब भी आपको समय मिले तभी भजन करना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ता तू वह है जो तू चाहता है। ये ध्यान से सुनने की बात है कि कर्ता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। लेकिन भगवान आगे बोल रहे हैं कि कर तू वह जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो इसलिए भगवान की एक बात को ध्यान में रखते हुए अपने आप को गुरुदेव की सेवा में लगाकर भगवान का भजन करें और अपने आप को निरंतर इसी तरह से उत्साह के पूर्वक मंदिर में आके दर्शन किया करें। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजन प्रभु है इधर, आज दो लोगों ने प्रचार किया, एक दीदी बता दो अनिता कौशिक, श्रीमती अनिता कौशिक जी की तरफ से आज का भंडारा है, उनके जोरदार आगमन। राजन प्रभु की ओर से, इन दोनों की तरफ से आज का भंडारा है, जोरदार स्वागत है। आप सबसे निवेदन है सुबह यहाँ मंगल आरती में आए, मंगल आरती के बाद 5:30 बजे हम लोग यहाँ से प्रभात फेरी के लिए जाते हैं, उसमें आप सब आए, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है और जो इतनी बड़ी सार वस्तु है उसका भी कुछ सार हो सकता है, हाँ उसका भी सार है, उसका सार है हरिनाम संकीर्तन। और हरिनाम संकीर्तन में प्रतिष्ठित आपके गुरुदेव है, आपने देखा होगा हमेशा इनका मन संकीर्तन में ही रहता है। तो ऐसे सदगुरु आपको मिले हैं, इनके साथ आप सब आइए सुबह हरिनाम संकीर्तन में, उसका आनंद उठाइए। और सबसे बड़ी बात है साथ में वृंदावन से आए हुए हमारे दामोदर प्रभु भी हैं, इनसे भी निवेदन करूंगा कल हमारे साथ प्रभात फेरी में चले। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हो सके तो आज तो कुछ माता है भाई लोग आए थे और फिर विशेष करके अधिक महीना है, अधिक महीना में महाप्रभु रोज अपना भक्तों को लेकर कीर्तन करते जाते हैं। क्यों कीर्तन करते जाते हैं, गुरु जी कहते थे जैसे एक पत्थर उठा और वह पत्थर को ऐसे फेंक किया होगा पानी में, फिर ना पानी में लहरियाँ आती हैं। जब हम भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, भगवान का जो नाम कितना मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम, जिन जिन लोगों को कानों में भगवान के नाम पड़ेगा
उनका भी कल्याण होगा। इसलिए हरिदास ठाकुर जब ऊंचे स्वर में हरिनाम करते थे, तीन तीन एक लाख तक जोर जोर से करते थे। एक मुसलमान ने पूछा, भैया क्या तू जोर जोर करके सबको सुना रहे हो? मैं भजन करने वाला हूँ, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला चिल्ला करके हरिनाम करते हो? उन्होंने पूछा, ये बताओ, एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में कौन बढ़ गया? बोले जो पूरा परिवार को खिलाते हैं। फिर उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में नाम करता है उसका अपना कल्याण होता है, और जो उच्च स्वर का हरिनाम करते हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबको कान में भगवान का नाम पड़ेगा, उनका भी कल्याण होता है। उन्होंने पुराण से एक श्लोक उठाकर बताया, देखो जब तो हरिनामानी सिखानी सतो गुणातीत, मतलब जो मन मन में हरिनाम करते हैं उनको जो पुण्य फल मिलेगा, जो उच्च स्वर में हरिनाम करते हैं उनको सौ गुण ज्यादा फल मिलेगा, है सौ गुण ज्यादा। इसलिए सवेरे हम जाते हैं हरिनाम कीर्तन करने के लिए, अभी तक पर पाँच दिन रुकेंगे, हो सकता है आप सबके सब आओ, दस पंद्रह मिनट में भ्रमण करके आ जाते हैं, फिर उसके बाद में फिर दस पंद्रह मिनट यहाँ पर कथा सुनते हैं। इसलिए आपको कोशिश करना जिन जिनों का समय हो आओ, इसका सौभाग्य आप लोगों को करना। देखो ये अधिक महीना है, मैंने कल बताया था, जब ये अधिक महीना भगवान के पास में गया, बोला प्रभु मेरे को जान से मारता हो, बोले क्यों? बोले सब लोग मेरे को मलमास मलमास कहते हैं। फिर तीन साल साढ़े तीन साल में एक बार आता हूँ, फिर आऊँ तो कोई बात नहीं, मलमास मलमास कहो, खैर कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह गृह प्रवेश कोई शुभ काम नहीं करते, ये कोई जीवन है? मेरे को ध्यान से मारता हूँ। लेकिन उन्होंने जब प्रभु की शरण में आ गए, भगवान ने बोले कोई चिंता मत करो, तू जब मेरे शरण में आ गया ना, तुम्हारे सारे दुर्गुण खत्म समाप्त हो गया। जैसे मेरा नाम श्री पुरुषोत्तम देव है, आज से तेरा नाम भी श्री पुरुषोत्तम महीना का नाम बनेगा, और इसी महीना में जो एक गुण भगवान की भक्ति करेगा, एक नाम करेगा, उसको सौ नाम करने का फल मिलेगा, एक बार परिक्रमा करे सौ बार परिक्रमा करने का फल मिलेगा, एक बार भागवत कथा सुने उसको सौ बार भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। ये भगवान ने स्वयं आदेश दिया है, अगर इसी महीना में अगर सवेरे सवेरे नगर कीर्तन किए जाओगे ना, सौ बार भी नगर कीर्तन करने का फल मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए हम लोग आज बैठ करके एक माला जप करें, ठीक है ना? और यहाँ पर कितने लोग हैं? 200-300 लोग हैं। जब एक माला करोगे क्या होगा, सौ माला करने का फल मिलेगा। फिर यहाँ 200-300 भक्त बैठे हैं, ये लोग जो हरिनाम करेंगे ये भी कहने में जाएगा, सबको बहुत सारे फल मिलने वाले हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर एक बार। देखो आपको रामायण की एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुना। बोल एक समय एक राज्य था जिसका नाम कैवल्य राज, और उसी देश में एक राजा था जिसका नाम था सुखा। एक दिन ये सुखा वो जा रहा था सत्संग, इतने में बीच में नारद जी मिली है। हम कहते हैं ना, तुम क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या झगड़ा लगाते हो? इतने में नारद जी बोले, भैया सिद्धार्थ जी कहाँ जा रहे हो? बोले सुमेरु पर्वत ऊपर में सत्संग हो रहे, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बोले देख बेटा, सत्संग में जा करके सबसे पहले संतों का जन्म स्पर्श करना। बोले आप लोग तो यही सिखा दिया, पहले जा करके संतों का चरण स्पर्श करने चाहिए, मैं जरूर करूँगा। जब जा रहे थे फिर लिख रहा, बोले देख वहाँ पर सारे संतों का तो चरण पूजा करना, लेकिन देखना वहाँ पर विश्वामित्र भी रहेंगे, लेकिन केवल विश्वामित्र का चरण नहीं छूना। बोले क्यों? बोले ऐसे क्यों? बोले बोल किया ना, वो भी पहले क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय सही है ब्रह्मा से वाले, और तू भी क्षत्रिय है। इतने में बोले ठीक है, और गए सारे संत बैठे हुए थे, उनने सबका चरण की वंदना की, लेकिन बीच में श्री विश्वामित्र का चरण भी पूजा दिया। अगर सारे संत बैठे हुए और सबको चरण में प्रणाम करो, अगर एक व्यक्ति को नहीं करो फिर क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ?
बड़ा नेगलेक्ट होगा ना। अभी विश्वामित्र तो वैसे ही बड़ा तेजस्वी, जब ये सत्संग समाप्त तो होते ही सीधा सुबेर पर्वत से सीधा अयोध्या आएगा, और वहां पर भगवान राम विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी देखने पर चौकीदार रूप में थे। बोले अभी मैं प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु राम अभी विश्राम कर रहे, सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा ऐसे सोता है उसी देश कहीं देश अपनी होती है। बोले बात का क्या बताओ। बोले अब तो नहीं, मैं सीधा प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़े समय रुक जाओ। अभी इनकी हाई हल्ला सुन करके प्रभु राम की नींद खुल गई। अभी भगवान राम बाहर निकले, आकर के देखा गुरु जी। पहले उन्होंने गुरु जी की चरण की वंदना की। बोले गुरु जी क्या बात है, आप इतने क्रोधित क्यों हो। बोले ये कहते सुकांत ने मेरी सब संतों का चरण स्पर्श किया, केवल भरी सभा में केवल मेरे चरणों को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ये मेरा अपमान नहीं, ये साधु परम परादी अपमान है। इतने में प्रभु राम सुन करके बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी के चरण को स्पर्श नहीं किया कल सवेरे, उसका सर भी काट दूंगा। भगवान का प्रतिज्ञा सत्य संकल्प है, वो कभी छूटा नहीं होता। अभी धीरे धीरे ये बात सुकांत के कान में पड़ा। बोले देखो ये विष्णु से नारद जी के झगड़ा लगा दिया। बोले सबको प्रणाम करना केवल विश्वामित्र को करना नहीं, देखो क्या कर दिया। और भगवान प्रतिज्ञा किए कल सवेरे मेरे गला काट देंगे, अभी तो रोना शुरू कर दिया। अभी नारद जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस समय ढूंढ नहीं रहे थे, उस समय तो मिल गए, अभी ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रहे। बोले कहाँ गए गुरु जी, कहाँ गए नारद जी। इतने में देखा सिर्फ नारद जी बिना बजाते बजाते आ गए। बोले क्या बात बेटा। बोले कल भगवान राम ने संकल्प किया मेरे को मारने वाले। बोले भैया ये जगत मरते जगत है, सबको तो मरना पड़ेगा है, जगत में कौन नहीं मरता है। बोले मैं मरना नहीं चाहता। बोले बताओ कौन मरना चाहता है। बोले मरना चाहते हैं, लेकिन मरते जगत में सबको मरना ही पड़ेगा। जब ऐसे बोले बोले मैं मरना नहीं चाहता हूँ, आपने कैसे क्यों बताए, मैंने प्रणाम नहीं किया था, आपने प्रतिज्ञा की। बोले एक काम करो, तुम श्री अंजनी माता के शरण में चले जाओ। बताओ तो अंजनी माता कौन है। कौन है अंजनी माता। हनुमान जी की माँ है। उन्होंने जा करके अंजनी के चरण में बटकीर करके रोना शुरू कर दिया। अदना माताओं का जो हृदय ना बड़ा कोमल होता। बोले बेटा क्या बात, बताओ क्यों रो रहे हो। पहले ये प्रतिज्ञा करो, आप मेरे को रक्षा करोगे, फिर मैं बताऊंगा। बोले बता बेटा। बोले विश्वामित्र जी कल मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे को रक्षा कर, आपका शरण में आया। बोले एक काम कर जाओ, अंदर में बैठ जाओ। अभी जाकर अंदर में बैठ लिया। अभी हनुमान जी जैसे प्रत्यह प्रभु राम की सेवा करते हुए शाम को वापस आते हैं। अभी हनुमान जी जब वापस आए, देखा माँ अंजनी दर्जा में बैठ करके बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जैसे बेटा रहते हैं, अगर माँ दुखी होकर बेटा रहना नहीं रहना बराबर। बोले माता जी क्या बात है, अब दुखी क्यों। बोले बेटा मैंने एक शरणागत व्यक्ति को आश्रय दिया है, अभी उनको रक्षा करना पड़ेगा। अगर तू रक्त संकल्प करोगे तो फिर मैं बताऊंगा। बोले बताओ क्या बात है। तब बुलाया सुकांत को। जब सुकांत जी को बताया, बोले बेटा क्या दुर्द है। बोले कल सवेरे भगवान राम मेरे सर काटना चाहते हैं। अंजना बोली तू तो बोल रहा था विश्वामित्र मारना चाहते हैं। बोले विश्वामित्र राम को गर्म करवाना चाहते हैं। अभी अंजना भी बड़ी विपत्ति में फंस गई हनुमान में। अगर साधारण व्यक्ति होता तो हनुमान कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान राम ने जहाँ पर संकल्प की फिर कोई रक्षा कर सकता है। अभी हनुमान में पूरी तरह से फंस गए। बोले अभी क्या करनी चाहिए। एकदम सवेरे सवेरे हनुमान के अयोध्या में पहुंच गए। देखा भगवान राम अस्त्र शस्त्र को सज धज करके और उसको मारने के लिए निकल रहे हैं। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो। बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु एक जीव को मार करके क्या होगा, छोड़ दो प्रभु। बोले नहीं, जिस दुष्ट ने मेरी गुरु जी के चरण में अपना नतमस्तक नहीं की,
उसका सर में काट दूंगा। बोले प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की उसको रक्षा करने के लिए। बोले तुमने कैसे प्रतिज्ञा कर दी? बोले प्रभु मेरे को बता ही नहीं था, मैं तो फंस गया, जो बोलना तू कर, लेकिन उसको तो मैं जरूर सर काटूंगा। इतने में हनुमान जी आकर सुखा कर बोले आओ मेरे साथ में आओ। उसको लेकर के चले गए जंगल में। बोले मेरे पूछ को नीचे बैठ जा। अब बैठ करके हम दोनों भगवान के नाम जप करते हैं। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय नारद जी ने बताया। बोले हाँ
इतने पैसे नारद जी बिना बजाते हो जाता है। जब आ गए बोले नारद जी तुमने की असत संगत कैसे, मैंने की दुर्बुद्धि कैसे दिया। बोले प्रभु मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करता है, भगवान बड़ा नाम का नाम बड़ा, सारा दुनिया एक ही प्रश्न करते हैं। अभी कितने लोगों को मैं समझाऊं हरि से बड़ा हरि का नाम। सोचा ऐसे एक एक काम कर दो सारा दुनिया को पता चले जाए हरि से बड़ा हरि का नाम प्रभु, इसलिए मैंने ये काम किया। बोले तो ये बताओ अभी गुरु जी के लिए मैंने प्रतिज्ञा की सवेरे सुकांत का सर काट दू, अभी गुरु जी को मैं कैसे मुंह दिखाऊं। इतने में से विश्वामित्र जी आ गए, विश्वामित्र जी आए तो इतने में नारद जी बोले सुकांत जल्दी जल्दी जा विश्वामित्र के चरण में गिर कर, जल्दी जल्दी विश्वामित्र के चरण में गिर कर तुम माफी मांगो। संत बड़े दयालु होते, संत बड़े कृपालु होते, इतना संत हृदय नव नीत समाना, लेकिन संत संघार नहीं करते संत सवार नहीं। जब उन्होंने विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े इतने में विश्वामित्र प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु राम आप मेरे लिए बताया था ना उसका सर काट दोगे, मैं इसकी अपराध में माफ करती हूँ, आप भी माफ कर दोगे, फिर माफ कर दिया। देखो भगवान के नाम में कितने शक्ति, कितने शक्ति ठाकुर जी के नाम में। अगर हरिनाम करोगे ना भगवान की जो अच्छुक बाण भी हमारी कुछ बिगाड़ नहीं सकता नहीं, कितने हरिनाम की महिमा, ठीक है ना। इसलिए सबके सब सवेरे उठ करके थोड़ी समय प्रभु को दिया करो, सारे काम को जो हमारे जो गुरु जी की जो प्रभुपाद थे वो क्या कह रहे थे देखो, मतलब भगवान ने हमें 24 आवर्स दिया, 24 घंटा दिया, मतलब 8 घंटा काम करो और 8 घंटा सो और 8 घंटा भजन करो, 8 घंटा भजन करो, मतलब 8 घंटा काम के लिए बहुत नहीं, 8 घंटा सोने के लिए तो बहुत है, 8 घंटा 12 घंटा फिर दो, बोले ठीक है 12 घंटा काम करो और 8 घंटा सो और कितना समय बचेगा 4 घंटा। वो कहते थे देखो अब बुरा मत मानो, वो कहते थे सवेरे 2 घंटा अपना परिवार को शत्रु मानो, ये सबके सब मेरे शत्रु है, भागवत में यही कह रहा है भगवान। ये मानव शरीर हमें क्यों दिया है, 84 लक्ष्य जीवन के बाद में ये मानव शरीर क्यों दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को कोटक लग्न पास, ये घर गृहस्थ के लिए तुमको ये जीवन नहीं मिला है, ये भजन करने के लिए मिला है। इसलिए भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। अयोध्या वासियों को समझा रहे ये मानव शरीर 84 लक्ष्य जन्म के बाद में मिला और इसी जीवन में ही भजन करके तुम ये भवसागर से पार हो सकते हो और किसी जीवन में तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की दरवाजा में तुम खड़े हुए हो। अगर फिर उसी विषय में जीवन को कमाएगा फिर 84 लक्ष्य जन्म करते कुत्ते हो गए बोलते रहो। इसलिए वो संत कहते थे सवेरे 2 घंटा क्या समझो, ये परिवार सब शत्रु मेरे कोई मित्र नहीं है, ये जो एनर्जी देनी चाहिए भगवान को ये सबके सब यही लूट रहे हैं। परिवार को शत्रु माना 2 घंटा गीता भागवत पढ़ माला जप करो, फिर परिवार को मित्र मानो, फिर मित्र मानो, फिर संसार का सारे काम करो, काम नहीं सेवा, संसार का सेवा करो, जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, फिर शाम को 2 घंटा परिवार को शत्रु समझो, फिर 2 घंटा बैठो गीता रामायण भागवत पढ़ो और भगवान की माला जप करो, फिर सबको मित्र मानो, वो संत का ही वाणी है। इसलिए सवेरे क्या करो करोड़ों काम को करना, 100 काम को छोड़ करके भोजन करो, करोड़ों काम को छोड़ कर काम करो, उससे 1000 काम छोड़ कर दिया तो भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। इसलिए ये अधिक महीना है, अधिक महीना में 1 माला करोगे तो 100 माला करने का बल मिलेगा। हम माला दे दो सबको दे दो, अभी तो माला दे दो तो 2-4 व्यक्ति चले जाओ, 2-4 व्यक्ति बांट दो, ये माला को बांट दो, सबको बांट दो माला, और सब कैसे जोर जोर से हरिनाम करना, क्योंकि जो हरिनाम करोगे ना सबको दाना में ये नाम जाएगा और जितना नाम जाएगा उतना ही तुम्हारा लाभ होगा। जोर जोर से करना मेरे साथ साथ फटाफट जिनको ये माला जप करके लेना नहीं है ये माला को वापस देना है, माला लेने के लिए नहीं दे रहा हूँ वापस दे रहा हूँ, लाख में देना।
अब बैठ बैठ दो, सबको बैठ दो महाराज। हाँ, यहाँ पर तो प्राय करके सब भक्त लोग हैं, सब माला लिए हो। जो नए है ना, देख लो मेरे तरफ पे, जो नए लोग मेरे तरफ पे देखो, जो नए लोग हैं देखो, ये अकुल को टच नहीं करना, ये गलता ये सबसे पहले की गलता है। हम कहते ना तेरे को हम देख लेंगे, ये सबसे पहले की गलता है। ये बीच वाला अकुल को भर रखना, रख करके ये सुमेर की राधा कृष्ण का रूप है, ये एक एक गोपी है, मानो ये राधा कृष्ण को रख करके ये रास कर रहे हैं। इसलिए इसलिए ये हरिनाम करने से पहले एक नाम करके उसको नाम लेना चाहिए। मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले श्री कृष्ण चैतन्य, बोलो सबके साथ प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि श्री, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। इसको बोल करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके ना एक बुद्धि सर करना, ठीक है? फिर दो बार बोल कर दो बुद्धि सर करना, ऐसे बैठ करके सबके सब आंख बंद कर दो। यहाँ पर तो ठाकुर है ही, ठाकुर जी की चरण में सबके सब श्री जगन्नाथ जी की चरण में हम बैठे हैं। जगन्नाथ मतलब श्री वृंदावन में ठाकुर जी की चरण में हम बैठे हैं। आंख बंद करके सबके सब बोलना, क्योंकि जो नहीं बोलेगा ना, जो बोलेगा उसका पाप ऊपर उठ जाएगा, लेकिन कहाँ पर बैठेगा जो नहीं बोलेगा, इसलिए सबके सब बोलो, नहीं तो सबका पाप सर पर बैठेगा। सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
I'm gonna